प्रयागराज मंडल के डीआरएम अमिताभ ने हमारे संवाददाता सुशील कुमार तिवारी से खास बातचीत की है। उस दौरान उन्होंने कहा है कि उत्तर मध्य रेलवे की प्रयागराज एक्सप्रेस की देश की सबसे लंबी और एलएचबी कोच वाली रेल है। आज इस ट्रेन को चलते हुए 35 वर्ष हो गए हैं। इस मौके पर केक काटकर जोरदार जश्न मनाया जा रहा है। बता दें कि इस ट्रेन को वीआईपी दर्जा भी मिला हुआ है। उत्तर मध्य रेलवे के इलाहाबाद मंडल के डीआरएम अमिताभ जी मेरे साथ में हैं। जो प्रयागराज एक्सप्रेस है वो सबसे लंबी ट्रेन होने जा रही है। आज से सबसे लंबी ट्रेन बनके चलेगी पूरे हिंदुस्तान में। ये जो ट्रेन है सबसे लंबी ट्रेन बनके चलेगी, क्या पूरी बात है, क्या बताएंगे आप? अभी जुलाई के महीने में इसी साल हम लोगों ने प्रयागराज एक्सप्रेस के 35वीं वर्षगांठ मनाई है। और पहले ये गाड़ी जो कन्वेंशनल आईसीएफ कोचेस हैं उनसे चलती थी, वैक्यूम ब्रेक कोचेस थे। उसके बाद जैसे जैसे रेलवे में नई टेक्नोलॉजी आई, नए कोचेस आए, तो इसका कन्वर्जन आईसीएफ वैक्यूम ब्रेक से एयर ब्रेक में, उसके बाद फिर नए एलएचबी कोचेस लगने शुरू हो गए। अभी आज से इस गाड़ी में 24 एलएचबी कोचेस लगाए जाएंगे। अभी तक 23 कोच थे, एक कोच और बढ़ा दिया गया है। तो 24 एलएचबी कोच से चलने वाली ये भारतीय रेल की पहली गाड़ी होगी और एक कोच की लंबाई करीब 22 मीटर से थोड़ी अधिक होती है, तो उसके हिसाब से ये भारतीय रेल की सबसे लंबी गाड़ी होगी। और इसका इलाहाबाद को और प्रयागराज को, शहर को एक बड़ा फख्र है। एलएचबी कोच और सामान्य कोच में क्या अंतर है? एलएचबी कोचेस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाए गए हैं और इनमें सेफ्टी से संबंधित बहुत सारे फीचर हैं, जैसे टाइट लॉक कपलर है, जो कि कभी भी कोई अगर दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी अगर कभी हो जाए किसी वजह से तो इसमें क्लाइंबिंग नहीं होती है और जम्बलिंग नहीं होती है कोचेस की। अभी कुछ समय पहले ही यहां पे हमारे मंडल में ही एक दूसरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और बहुत तेज स्पीड थी, लेकिन उसमें किसी भी यात्री की किसी प्रकार से कोई गंभीर किसी को चोट नहीं आई। और ये बहुत ही सेफ कोचेस हैं, अंदर से भी ये स्टेनलेस स्टील बॉडी है और कई सारे इसमें सेफ्टी से संबंधित फीचर्स हैं, तो ये बहुत ही सेफ कोच है। और प्रयागराज आज जैसे सबसे लंबी गाड़ी होने वाली है, ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय है। जो प्रयागराज एक्सप्रेस है इसको वीआईपी एक्सप्रेस माना जाता है, इसमें काफी वीआईपीज जाते हैं और इसने अपने 35 साल पूरे किए हैं, काफी धूमधाम से आपने इसका आयोजन भी किया, तो ऐसे में क्या ये ट्रेन कितनी खास है इलाहाबाद मंडल के लिए? हम लोगों के लिए ये बहुत खास ट्रेन है और प्रयागराज शहर की ये शान है। और जैसा आपने अभी बताया कि हम लोगों ने 35 वर्ष होने पर इसकी वर्षगांठ भी बनाई थी, उसमें शहर के लोगों ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। और आपकी सूचना के लिए बताएं, एक प्रयागराज फैंस क्लब भी है, उसके भी लोग इसमें इस फंक्शन में आए थे। हम लोगों ने हमारे जो रेल कर्मचारी जिन्होंने 35 साल पहले इस गाड़ी के चलाने में योगदान दिया था, उनको भी हमने इस अवसर पर सम्मानित किया था। तो इसका एक इस ट्रेन का विशेष स्थान है हम लोगों के दिलों में। और इसका जो एक्सटीरियर है उसको भी हम लोगों ने प्रयागराज के रंगों में विनाइल रैप किया हुआ है और कुछ कुंभ जैसी छवि है, और वैसे भी जनरल एक प्रयागराज शहर को इसमें दर्शाया गया है। अंदर से बहुत सारे रेनोवेशन हम लोगों ने इसमें अंदर किए हुए हैं, इसमें सारे अच्छी क्वालिटी के मिंग ब्लैंकेट्स एसी क्लास में दिए जाते हैं और अंदर से भी काफी डेकोरेटेड ट्रेन है। जिस तरह डीआरएम अमिताभ जी बता रहे थे, जो प्रयागराज एक्सप्रेस है काफी उनके लिए महत्वपूर्ण है और इलाहाबाद मंडल में इसको लोग बहुत पसंद भी करते हैं। सहारा समय के लिए कैमरामैन शिवेंद्र विक्रम के साथ सुशील कुमार तिवारी इलाहाबाद से।